नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की। इसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने संभावित तीसरी लहर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिल स्टेशन मार्केट में बिना मास्क और प्रोटोकॉल के बिना भारी भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीना तान कर बोलते हैं कि तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं। लोगों को समझना होगा कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। सवाल होना चाहिए कि इसे कैसे रोकना है, प्रोटोकॉल का कैसे पालन करना है। कोरोना अपने आप नहीं आता, कोई जाकर ले आए तो आता है। हम सावधानी बरतेंगे तो ही इसे रोक पाएंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 18 करोड़ 80 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। तमाम देशों में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। इस बीच सोमवार को अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैक्सीन निर्माता फाइजर के साथ बैठक में बूस्टर शॉट को लेकर बड़ी घोषणा की। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा के प्रवक्ता विभाग ने कहा है कि जिन अमेरिकियों को पूरी तरह से फाइजर की दोनों डोज लगाई गई हैं, उन्हें बूस्टर शॉट लेने की जरूरत नहीं है। जोधपुर शहर के चारों तरफ वन भूमि के आसपास अंधाधुंध खनन, गोचर और रण भूमि पर लगातार अतिक्रमण के कारण नीलगाय के परंपरागत आश्रय स्थल खत्म होने से वे अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों के रिहायशी क्षेत्रों व सड़कों की ओर रुख करने लगी हैं। पानी और भोजन की तलाश में रोजड़े शहर के मंडोर एयरफोर्स, रसाला रोड, सरदार क्लब पोलो, मधुबन, बनाड, नागौर रोड, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, JNVU, न्यू कैंपस, आफरी के आसपास रिहायशी क्षेत्रों में विचरण करते सहज नजर आने लगे हैं। मुंबई के कांदीवली में फर्जी टीकाकरण शिविर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में से एक 31 साल की महिला कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई है। अब उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसे रेमडेसिविर समेत अन्य इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इस महिला का नाम जैना सांगवी है। वह उन 390 लोगों में शामिल है जिन्होंने हीरा नंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोगों के लगाए गए फर्जी कोरोना टीकाकरण में वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। जयपुर के चाकसू थाना पुलिस ने एक अनोखा केस दर्ज किया है। एक बाबा पर आरोप है कि उसने लिव इन में कई महिलाओं को रखा है और सभी को तंत्र मंत्र से वश में किया है। बाबा के तंत्र मंत्र के चलते ही संपन्न परिवार होने के बाद भी ये अपने पीहर और ससुराल से अलग रह रही हैं। दर्ज केस में ऐसी 3 महिलाओं का जिक्र किया गया है। बाबा पर लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक तरफ जहां कोरोना की त्रासदी में लोगों ने अपनों को खो दिया और पहाड़ सा टूट पड़ा, वहीं अब इससे भी बड़ा दुख उन्हें राजनीति के कारण सहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में मृतकों का अस्थि कलश ही अटक गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों से निःशुल्क अस्थि कलश ले जाने की घोषणा कर मरहम लगाने की कोशिश तो की, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश सरकार बसों को हरिद्वार जाने की इजाजत ही नहीं दे रही है। राजस्थान में बिजली की बड़ी दरों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से वादा किया था कि एक पैसा भी बिजली की दरों में नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। प्रदेश में 80 से 95 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है। बहुप्रतीक्षित दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि मानसून अपने सामान्य समय से 16 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा है। बीते 19 वर्षों में मानसून के आगमन में यह सबसे अधिक विलंब है। 2002 में मानसून 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक के जोना मणि ने मंगलवार सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश होने के बाद पुष्टि करते हुए कहा कि मानसून दिल्ली पहुंच गया है। उम्र 23 साल, ओहदा अमेरिका के कंप्यूटर साइंस रिसर्च कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मासिक वेतन करीब 12,50,000 रुपए और सालाना पैकेज 1.5 करोड़ रुपए। छोटी उम्र में इतनी बड़ी मंजिल हासिल करने वाली यह सक्सेस स्टोरी करौली जिले के गांव मुड़िया के सौरभ वशिष्ठ की है। उसने अध्ययन और कुशाग्रता के दम पर भारी भरकम सालाना पैकेज की नौकरी हासिल कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के गंगापुर स्टेशन पर अनुरक्षण कार्य के कारण रेलवे यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 09042 गाजीपुर सिटी बांद्रा टर्मिनल स्पेशल 18 जुलाई को गाजीपुर सिटी से प्रस्थान करेगी और निर्धारित मार्ग आगरा कैंट, ईदगाह, बयाना, सवाई माधोपुर के स्थान पर
परिवर्तित मार्ग वाया आगरा कैंट, भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर, सवाई माधोपुर होकर संचालित होगी। अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर में सिरोही जिले का बड़ा योगदान है। मंदिर निर्माण के लिए काम में लिए जाने वाले पत्थरों समेत गर्भगृह में लगने वाली नौ शिलाएं भी पिंडवाड़ा में तराशी गई। अब जब अयोध्या में 25 सालों से बंद पड़ी स्टोन कटिंग की मशीन की जरूरत पड़ी तो पिंडवाड़ा के ही इंजीनियरों ने वहां उनको फिर से शुरू किया। दो दिन पहले ही पिंडवाड़ा से अयोध्या गए इंजीनियरों ने मशीनों की तकनीकी खराबी को सही किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को ट्वीट कर यह बात शेयर की। कोविड के कारण पूरी दुनिया में रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने प्लेसमेंट के मामले में बाजी मारते हुए एक बार फिर रिकॉर्ड कायम किया है। लगातार दूसरे वर्ष सभी छात्रों का प्लेसमेंट हो गया। एक छात्र को सबसे अधिक 80 लाख का पैकेज मिला है। सीबीएसई 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि उनका परिणाम जल्द ही घोषित होने वाला है। परिणाम तैयार करने का जिम्मा इस बार स्कूल पर है। ऐसे में 15 जुलाई तक सभी स्टूडेंट के मार्क्स सीबीएसई के पास आ जाएंगे। इसके बाद दो दिन में परिणाम तैयार हो सकता है। सब कुछ सामान्य रहा तो 20 जुलाई से पहले स्टूडेंट के पास ऑनलाइन मार्कशीट होगी। ये जानकारी सीबीएसई अजमेर जोन के सूत्रों ने दी है। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल की शक्तिशाली समितियों का पुनर्गठन किया है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और सर्वानंद सोनोवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति का सदस्य बनाया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की सोमवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति में केंद्रीय मंत्रियों वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है। राजस्थान में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी की ओर से संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। ये बिल निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजातियों की भागीदारी को लेकर है। इस बिल पर मानसून सत्र में चर्चा कराई जा सकती है। संसद में प्रस्तावित बिल निजीकरण के युग में विविधता और प्रभावी कार्यवाही के तहत कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।